शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूशन ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से और अपने ग्रुप जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में फिर से अभिनंदन करता हूं और सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं टॉरस लग्न में ही बुध देवता की। प्रिय दर्शकों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, आपने बहुत मुझे रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया। आप लेकिन एक सवाल हमेशा पूछते हैं, सर इस हिसाब से मेरी बारी कब आएगी, मेरे लग्न में इस ग्रह की प्लेसमेंट आप बताइए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको साथ में डिटेल बता दूं, मैं हर लग्न कुंडली में लग्नेश और दूसरे घर के मालिक की डिटेल बताऊँगा। कल मैंने बताया था वृष लग्न में ही शुक्र की प्लेसमेंट हर जगह, आज बुध की बताऊँगा हर जगह प्लेसमेंट। कल बात करूँगा कन्या लग्न में लग्नेश, फिर उसके आगे चंद्रमा की। इसी तरह हर लग्न कुंडली में मैं पहले और दूसरे घर की प्लेसमेंट्स हर जगह बताऊंगा। उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसे जारी रहेगा ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ पाएं और सीख पाएं और खुद एनालाइज करके ये देख पाएं कि मेरी कुंडली में ये ग्रह कहाँ पड़ा है और मुझे रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं बुध देवता की। शुक्र देवता ने बुध देवता को दो डिपार्टमेंट दिए हैं, दूसरे घर का मालिक बनाया है और पांचवें घर का मालिक बनाया है, ये आप सभी जानते हैं। यानी धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट है बुध देव के पास और संतान का डिपार्टमेंट है, अनसर्टेन गेन का डिपार्टमेंट है, स्टमक का डिपार्टमेंट है, रोमांस का डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट बुध देवता को दिए हैं। तो बुध देवता भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने हैं। मान लीजिए इस कुंडली में लग्न में ही बुध देवता पड़े हों। प्रिय दर्शकों, कल भी मैंने ये कहा था कि डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा प्लैनेट की। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होगी तो अगर बुध देवता लग्न में ही पड़े हुए तो बुध देव इस कुंडली में दिशा बली हो जाएंगे, अगर लग्न में पड़े हुए तो लग्न में पड़े होने की वजह से बुध देवता को सदैव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो दिशा बली होने की वजह से हमेशा अच्छा फल देंगे। इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, इंसान लव रोमांस में हमेशा कामयाब होगा, इंसान को स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, फाइनेंस की कमी कभी नहीं रहने वाली, अपने परिवार से सदैव बनती होगी या वो परिवार की केयर करता होगा और परिवार उस पर जान छिड़कता होगा। क्यों? क्योंकि बुध देवता को ये एडवांटेजेस यहाँ मिले हैं। बुध देवता सेकंड हाउस में ओन साइन के पड़े होंगे तो बहुत अच्छा, बंदे की बहुत मीठी वाणी होगी, परिवार से सदा जुड़ा रहेगा वो, धन की कमी कभी नहीं आने वाली। अगर यहाँ अपनी साधारण राशि में हुआ तो ये उसकी साधारण राशि है, दर्शकों याद रखिएगा। अगर बुध देवता तीसरे घर में पड़े हुए तो इंसान की भागदौड़ हमेशा चलती रहेगी, इंसान का दिमाग सोए हुए भी चलता रहता है, क्योंकि बुद्धि और धन उठा करके मेहनत में रख दिया। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो डिग्री वाइज कैपेबल जरूर होना चाहिए। इंसान मेहनती होता है, दिमागी मेहनत करता है इंसान, ब्रेन से मेहनत करता है वो इंसान। अगर बुध देव यहाँ पड़े हों चौथे घर में, अच्छे हो गए, चौथे घर माता से बहुत लगाव हो गया, क्योंकि अपनी बुद्धि और वाणी को उठा के माता में रख दिया। जैसे कहता है मम्मी जी करदा पीछे फिरदा है, तो ये बुध देवता अगर यहाँ प्लेसमेंट में आए तो यहाँ ये रिजल्ट वो देंगे। गाड़ी वाहन सुख सुविधाओं में बंदे के लिए हेल्पफुल होंगे, वहाँ उसको एडवांटेज मिलेगा। यहाँ अगर बुध देव ओन साइन के अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हुए तो बहुत अच्छा होगा, संतान सुख से इंसान परिपूर्ण होगा, बहुत बुद्धिमान होगा वो जातक, ज्ञानवान होगा, कैलकुलेटिव माइंड होगा, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, यहां उसका कभी दान मत करवा दीजिएगा, नहीं तो पट्टा बैठ जाएगा उस इंसान का। क्यों? क्योंकि इसको ग्रिप करना है, इसको और एक्टिवेशन देकर के रिजल्ट्स अच्छे बाध्य करने के लिए इंप्रूव करना है आपको। बुध देव छठे घर में पड़े हो कभी अच्छा फल नहीं देंगे, परिवार को और औलाद को दोनों को उठा के हमने बीमारियों में रख दिया,
कभी संतान सुख नहीं मिलने वाला, उसमें सदैव कमी रहने वाली है। मेंटल पीस कभी नहीं होने वाला, क्योंकि बुद्धि को भी उठा के आपने रोग ऋण बीमारियों में रख दिया। जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। ये गले का भाव है, ये स्टमक का भाव है, तो यहाँ वो दिक्कतें देगा। कभी स्टोन मत पहन लीजिएगा, अस्त हुआ तो पहन सकते हैं, अन्यथा स्टोन कभी मत पहनिएगा, नहीं तो यहाँ सिवा बीमारियों के, टेंशन्स के, बुद्ध देवता कुछ नहीं देने वाले। जिन्होंने पहना है वो खुद देख सकते हैं कि जब से बुद्ध का स्टोन पहने, अगर वो यहाँ अस्त नहीं है तो सदैव प्रॉब्लम्स आएंगे। बुद्ध देव यहाँ पड़े हों, सातवें घर में पड़े हों, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया। यहाँ वो लव मैरिज के योग बनाएगा, क्योंकि पंचम भाव और सप्तम भाव का आपस में अगर कोई कनेक्शन हो जाए तो लव मैरिज का योग बनता है। पत्नी के लिए बहुत केयरिंग हो जाता है वो बंदा, क्योंकि अपनी बुद्धि उठा के पत्नी को दे दी, धन उठा के पत्नी को दे दिया, परिवार वाणी उठा के पत्नी को दे दी। बड़ा मीठा बोलने वाला होता है वो इंसान। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली, यानी खुद पर दृष्टि डाली, बड़ी प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी होती है उसकी, हर बंदे की केयर करने वाला होता है, वाणी में बहुत मिठास होती है उसकी। वो कभी उग्र नहीं बोलता जल्दी, क्यों? क्योंकि वाणी के लॉर्ड को और बुद्धि के लॉर्ड को पत्नी पे रख के सीधा लगन पे दृष्टि डल दे। अगर बुद्धदेव आठवें घर में आ जाए, कभी अच्छा फल नहीं देंगे, बंटाधार कर देंगे, धन परिवार का भी और संतान सुख का भी। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है। यहाँ जाने से वो योग कारक नहीं रहे, वो अति मारक हो गए। जैसे छठे भाव में बुरे रिजल्ट दिए, वैसे ही आठवें भाव में भी वो बुरे रिजल्ट ही देंगे। संतान सुख होने ही नहीं देंगे, संतान इतनी टेंशन देगी कि इंसान सोचता है जी ऐसी संतान से तो ना होना अच्छा। लेकिन अगर अस्त हुए तो एक्टिवेट कर सकते हो, अन्यथा कभी एक्टिवेट मत करना, क्योंकि यहाँ बुद्ध देवता सिवा प्रॉब्लम्स के, टेंशन्स के, मेंटल पीस डिस्टर्ब करने से, स्टमक की प्रॉब्लम देने से, अनसर्टेन लॉस देने से, क्योंकि सारी चीज़ों के ये दो भावों के रिजल्ट यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। जब भी बुद्ध की दशा अंतरदशा चली, इसके रिगार्डिंग हमें सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। बुद्ध देव यहाँ पड़े हों पिता के घर में, यानी नौवें घर में, बहुत अच्छा हुआ, अपनी बुद्धि उठा के, अपने धन कुटुंब को उठा के, परिवार को उठा के पिता पे रख दिया, तो वो जातक अपने पिता की केयर करने वाला होगा। वो जातक अपनी बुद्धि से अपने पिता को खुश करने के लिए अच्छा करने वाला होगा। वो धर्म को मानने वाला होगा, वो रिसर्च में सदैव जाना चाहेगा, वो छोटी छोटी बातों की केयर बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि भाग्य उसका बुद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर बुद्धदेव दसवें घर में पड़े हों, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, बंदा ट्रेडिंग में या बुद्धि से जुड़े हुए काम में बहुत पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध देव यहाँ अपने मित्र के घर में पड़े हैं और दोनों बड़े अच्छे डिपार्टमेंट लेंगे। ये त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में आया है, और वो भी अपने अति मित्र के घर में, तो यहाँ बुद्धदेव बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ कहीं बुद्ध अस्त हुए तो कोई फल नहीं देने वाले, 0 डिग्री हुए, 29 डिग्री हुए तो कोई फल नहीं देने वाले। डिग्रियाँ आपको पहले करवाई थी, उसी बलाबल के हिसाब से आप ये कैलकुलेट कीजिएगा कि यहाँ वो अच्छे हुए या बुरे हुए। यहाँ अगर अस्त हुए, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ना हुई, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, यानी पन्ना पहन करके चांदी में एक्टिवेट कर सकते हो। बुद्ध देव अगर 11वें घर में हुए तो बंटाधार, यही योग कारक कहलाए जाना वाला ग्रह सबसे मारक हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ वो नीच का होता है। बुद्ध देव मीन राशि में नीच के होते हैं, और मीन राशि में अगर वो पड़े हुए और उसकी दशा अंतरदशा चली, तो धन का नुकसान, बड़े भाई बहनों से क्लेश, स्टमक में प्रॉब्लम, खुद के बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस, औलाद से भी यहाँ दृष्टि डाल करके नेगेटिव चेंजेस, क्योंकि बुद्ध की एक ही दृष्टि होती है, अगर यहाँ नीच के हुए तो दृष्टि जो है वो पांचवें घर पे डालेंगे। मेंटल पीस डिस्टर्ब, बंदा यहाँ तक के डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक भी है। अगर नीच होकर के बुद्धि कोई देखेगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और यहाँ आपको किसी ने पन्ना रिकमेंड किया तो आपका बंटाधार है, समझिए वो आपका वेलविशर नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नीच का होने से बुद्ध देवता के रिजल्ट्स में टोटली नेगेटिविटी अब्जॉर्ब वो कर चुके हैं, और आपकी बॉडी में वो नेगेटिव रेज ही पास कर रहे हैं। हाँ, अगर अस्त हुआ तो पहन सकते हो, अन्यथा कभी मत पहनिएगा, रिजल्ट कभी स्टेबलाइज नहीं होने वाले उसके। बुद्ध देवता 12वें घर में पड़े हों,
यानी मेष राशि के पड़े हों, सबसे बुरे हुए यहां। क्यों? या तो संतान होने ही नहीं देंगे, संतान से अष्टम चले गए, या तो संतान होने ही नहीं देंगे, अगर संतान हुई तो वो इतनी प्रॉब्लम्स देती है जातक को, जातक हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करता है कि प्रभु इससे अच्छा तो मेरी संतान होती ही ना। क्यों? क्योंकि ये सबसे गड़बड़ भाव है, व्यय वाला भाव है। धन कुटुंब वाणी को और औलाद को दोनों को उठा के बारहवें में रख दिया तो वो कभी अच्छा फल देगा ही नहीं, वो इस कुंडली का अति मारक ग्रह बन गया। तो दर्शकों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कारक मारक को डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड ज़रूर कर लीजिएगा उस ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पड़ी है। अगर वो प्लेसमेंट गड़बड़ होगी, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, आप ये नोटिस कर लीजिएगा, जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ एप्लीकेबल करके बताए वैसे के वैसे ही आपको मिलेंगे। डिग्री वाइज वो कम या ज़्यादा हुए तो आपके रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा। 4 डिग्री वाले को उतना रिजल्ट मिलेगा 25%, 10 डिग्री वाले को 50%, 15 डिग्री वाले को 100% रिजल्ट मिलेगा, ये आप स्वयं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बुध देवता लगन में कारक होगा, दूसरे में कारक होगा, चौथे में कारक होगा, पाँचवें में कारक होगा, 7वें में कारक होगा, 9वें में कारक होगा, 10वें में कारक होगा, इससे ज़्यादा वो भावों में मारक बनेगा। यानी कि तीसरे घर में मारक, 6ठे घर में मारक, 8वें घर में मारक, 11वें घर में मारक और 12वें घर में भी वो मारक ही होगा। जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव जिन दो घरों का वो मालिक है उन दो घरों के संबंधी वो प्रॉब्लम्स ही देगा। ये एक नियम है दर्शकों, इसे नोट कर लीजिए। कल के एपिसोड में मैं मिथुन लगन की जानकारी दूंगा, मिथुन लगन में भी लग्नेश, एक एपिसोड में मैं आपको बुध की जानकारी दूंगा, परसों के एपिसोड में बुध के लगन कुंडली में यानी मिथुन लगन कुंडली में चंद्रमा की जानकारी दूंगा। मैं इसी तरह हर लगन और दूसरे भाव के स्वामी की जानकारी आपको पूरी कुंडली में रोटेट करके बताऊंगा ताकि आप खुद उसको एनालाइज कर पाएं। दर्शकों, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का निर्णय करने से पहले हमेशा दिमाग में रखिए कि उसका बलाबल कितना है। अगर ग्रह का बलाबल हुआ तो ही वो रिजल्ट देगा, क्योंकि आम किसी पंडित जी ने आपको बोल दिया कि आपकी बुध की दशा अंतरा आने वाली है, कुंडली का कारक ग्रह अच्छी जगह प्लेस्ड है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उसमें कैपेबिलिटी ना हुई, वो बेचारा पढ़ाई 27-28 डिग्री हुआ या पढ़ाई 0-2 डिग्री में हुआ, तो उसके रिजल्ट्स में वहाँ बहुत बड़ी कमी आएगी। ये आपको खुद समझना है, ये कोई पंडित जी आपको समझाने नहीं आने वाले, उनको तो खुद ही समझ में नहीं आता ये डिग्री क्या बोल रहे हैं। तो आप हर प्लैनेट की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर नोट के रख करके रखिए कि मेरे कौन से ग्रह पूर्ण डिग्री के हैं या मुझे पूर्ण अच्छा फल देंगे या कितने परसेंट फल देंगे, ये आप खुद अपनी कुंडली निकाल के निर्णय कीजिए और उसे इस तरह अप्लाई कीजिए, आप खुद इस ज्योतिष को सीख जाएंगे बहुत अच्छी ढंग से। प्रिय दर्शकों, इस बात को सदा ध्यान रखिएगा, आप सभी ज्योतिषी हैं, आपके अंदर एक ज्योतिषी छिपा हुआ है, आपको सिर्फ उसे बाहर निकालना है। आज के लिए टिप ऑफ द डे देता हूँ, सदैव ध्यान रखिएगा। आजकल हम जैसे माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे बच्चियों की शादियाँ फिक्स करते हैं, एंगेजमेंट्स से होती हैं, लड़का लड़की देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों की जब रजामंदी होती है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है उनके रिलेशंस में? आज मंगनी हुई या आज बात पक्की हुई, घंटे बाद फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती हैं। फ़ोन साक्षात राहु है। जब से इंसान के पास ये फ़ोन आया है, इंसान की टेंशन 4 गुना बढ़ गई हैं। तो उन जातकों के लिए एडवाइस करूंगा जिनकी नई नई शादी हुई होनी है या उनकी मंगनी नई नई हुई है या रोका हुआ है, जिसमें मंगनी में होने के बाद और शादी में 4 महीने का गैप पड़ा है या 6 महीने का गैप पड़ा हुआ है, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ोन का जितना यूज़ कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साक्षात राहु है, ये आधे रिलेशन तो पहले क्लेश में खड़े कर देता है। राहु को जहाँ यूज़ किया जाएगा ये प्रॉब्लम सदैव रहेगी और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली जब तक आप इसका यूजेज खुद मेंटली स्टेबल अपने आप को माइंड बना करके, माइंड मेकअप करके कम नहीं करोगे। पहली बातें करना शुरू कर दोगे, सदैव प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगे, वो आधे रिश्ते ही बीच में टूट जाते हैं, सिरे नीचे चढ़ते, राहु सबसे बड़ा प्रॉब्लम का उसमें कारण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ, हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव हम
हैं।